डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपकी क्लास सेकेंड का नया लेक्चर लेके आए हैं, जो लेसन नंबर 2 का ही है, फेस्टिवल और सेलिब्रेशंस का। जो हमने पिछली बार पढ़ा था, हमने पिछली बार क्या पढ़ा कि फेस्टिवल क्या होता है और कितने किस्म के फेस्टिवल्स होते हैं, त्यौहार कितने किस्म के होते हैं। एक तो होता है नेशनल फेस्टिवल, कौमी त्यौहार, और दूसरा होता है रिलीजियस फेस्टिवल, मजहबी त्यौहार। पिछली बार हमने कौमी त्यौहारों के बारे में पढ़ा था, जिसमें इंडिपेंडेंस डे था, रिपब्लिक डे था और गांधी जयंती थी। आज हम रिलीजियस फेस्टिवल के बारे में पढ़ेंगे, मजहबी त्यौहार जो अलग अलग मजहबों के लोग मनाते हैं। जैसे सबसे पहले है दिवाली, सबने नाम सुना होगा। दिवाली जो है, इसे फेस्टिवल ऑफ लाइट कहते हैं, रोशनी का त्यौहार। क्यों? क्योंकि इस दिन जो है हिंदू लोग अपने घरों में दिए जलाते हैं, रोशनी करते हैं। तो क्या होता है, इस ये दिए क्यों जलाते हैं, क्योंकि माना जाता है इनमें कि जो लॉर्ड रामा थे वो 14 बरस का वनवास काट के घर वापस आए थे, तो लोगों ने खुशी में घी के दिए जलाए थे। इसीलिए इस दिन लोग जो हैं अपने घरों में दिए जलाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं और किसकी पूजा करते हैं, गॉडेस लक्ष्मी की, लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट गिफ्ट्स एंड स्वीट्स, मिठाइयाँ और तोहफे एक दूसरे को बांटते हैं, एक दूसरे को देते हैं। किस दिन? दिवाली के दिन। अब दिवाली के बाद है दशहरा। दशहरा जो है पूरे 10 दिन सेलिब्रेट किया जाता है, 10 दिन मनाया जाता है। इस दिन क्या माना जाता है कि विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, मतलब बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी इस दिन। क्या हुआ था इस दिन कि जो लॉर्ड रामा थे उन्होंने रावण को मार डाला था। तो क्या किया जाता है, रावण के पुतले बनाए जाते हैं, उसमें पटाखे भरे जाते हैं, तो उसके बाद उसमें आग लगाई जाती है। इस दिन लोग जो हैं वो मतलब रावण को जलाते हैं। इसके बाद है होली। होली को फेस्टिवल ऑफ कलर्स कहा जाता है, रंगों का त्यौहार। इस दिन लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं और विश भी करते हैं, बधाई भी देते हैं एक दूसरे को। और उसके बाद है ईद उल फितर। ईद उल फितर क्या है, ये मुस्लिम का त्यौहार है। इस दिन क्या होता है, पूरे एक महीने के रोज़ों के बाद जिस दिन लास्ट वाला रोज़ा होता है, शाम को सभी क्या करते हैं, बाहर आ जाते हैं, चांद देखते हैं। अगर चांद निकल आया तो अगले दिन वो ईद मनाते हैं। ईद के दिन क्या होता है, लोग ईदगाह में जाके नमाज अदा करते हैं और नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं। अब लास्ट पे है क्रिसमस। क्रिसमस कब मनाया जाता है, क्रिसमस जो है 25 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। 25 दिसंबर को हर साल क्रिसमस मनाया जाता है, ये क्रिश्चियन लोग मनाते हैं। इस दिन क्या होता है, जीसस क्राइस्ट जो होता है थे उनका जन्मदिन ये 25 दिसंबर को मनाते हैं। और लोग चर्चेज में जाते हैं, प्रे करते हैं और घर में आके वो क्या करते हैं, क्रिसमस ट्री को सजाते हैं और एक दूसरे को तोहफे भी देते हैं। ये थे हमारे रिलीजियस फेस्टिवल। अब इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, तो नया चैप्टर हम नए लेक्चर में पढ़ेंगे।